कोस कोस पर बदले पानी और दो कोस पर बदले वाणी, ऐसा हमारा देश की कहावत है और ये कहावत सच है दालों के मामले में। अब एक ऐसी दाल है जो साउथ इंडिया में बनती है, सांभार। अब सांभार आप जैसे जैसे 50 किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट चेंज होता जाएगा। हमने आपको एक बहुत ही बढ़िया इडली सांभर की रेसिपी दिखाई हुई है, नहीं देखी जाके देख लीजिए। वैसे आप यहां पे आ गए हैं, टिकट कटा लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया होटल वाला सांभर। सांभर ऐसी कंफर्टिंग चीज है कि उसको चावल के साथ खा लो, इडली के साथ खा लो, वड़े के साथ खा लो, उत्तपम के साथ खा लो, या कई बार तो ऐसे ही खा लो। बहुत ही टेस्टी चीज़ है, उसमें जो सब्जी डालनी है आप वो डाल सकते हो। बच्चों के लिए ये बहुत ही टेस्टी चीज़ है, क्योंकि बच्चे वैसे सब्जी खाने में कतराते हैं, तो यहाँ पर सांभर में सारी सब्जियाँ जा सकती हैं। वैसे यहाँ पर हम डाल रहे हैं बैंगन, साथ में टमाटर, प्याज, कद्दू, ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक यानी कि मोरिंगा, बहुत ही मतलब फुल ऑफ बेनिफिट्स है। तो यहाँ पर बैंगन तैयार। सांभर में है 5 स्टेप, हो मतलब सांभर बनाने के लिए 5 स्टेप्स हैं। पहली चीज़ ये है कि उसकी पेस्ट बनानी है, दूसरा उसकी दाल उबालनी है, तीसरा उसको मिलाना जुलाना और उसमें फ्लेवरिंग डालना, और चौथा उसका पाउडर बनाना, पांचवा तड़का लगाना, सांभर तैयार। तो चलिए पहला स्टेप शुरू करते हैं। एक तरफ मसाला बनाते हैं, एक तरफ दाल को उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। तूर की दाल यानी कि अरहर की दाल, ये हल्का सा छिलका आपको दिख रहा है क्योंकि ये गाँव वाली दाल है। हमारे घर में अभी भी गाँव से किसी ने दाल भेजी है, तो हमने सोचा कि आपको दिखाएं कि गाँव वाली दाल कैसी होती है। अब उसे भिगो लिया गया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसी ही दाल यूज़ करनी है, आप नॉर्मल अरहर की दाल यूज़ करिए, नो प्रॉब्लम। पानी, और उसी के साथ में हम डाल देंगे कुछ सब्जियां जो इसके साथ में उबल जाएंगी, क्योंकि अरहर की दाल है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, इसलिए ये मोरिंगा यानी कि ड्रमस्टिक्स साथ में डाल दो जी। एक ऐसे स्लिट की हुई हरी मिर्च, स्लिट नहीं करनी तो ऐसे भी डाल सकते हो। बैंगन, मेरे पास ये छोटे बैंगन है, अगर आपके पास बड़े बैंगन है तो आप बड़े बैंगन के डाइस काट लो, छोटे हैं इसलिए 1/4 काट रहे हैं। बाइट साइज होना चाहिए बैंगन या कोई भी सब्जी। और इसमें डाल दो जी ये कद्दू, कद्दू यानी कि भोपला यानी कि पंपकिन, लेकिन स्किन के साथ डाल रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टिप, सांभार जब भी बना रहे ना उसकी सब्जी जो है वो घुल नहीं जानी चाहिए। अब वो दाल के अंदर पूरी तरह से घुल ना जाए और थोड़ी सी खड़ी रहे, इसके लिए दाल उबालते समय इमली डाल दो। अब आप बोलेंगे इमली डाल दी, दाल तो उबलेगी नहीं। उबल जाएगी, अरहर की दाल है, उबल जाएगी, प्रेशर कुकर में उबल जाएगी। साथ में डालेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, बढ़िया से उबल जाएगी। इनको करते हैं क्विक मिक्स। और इसको ढक्कन लगा के 2 सीटी दे दो, बस। दूसरी तरफ इसका मसाला बनेगा। एक्चुअल में सांभार बनाना बहुत मुश्किल चीज नहीं है, घर पे आराम से बन जाता है, बस आपको ध्यान देना है कि वो कौन से मसाले कितने डाल दें, दैट इज इट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना रहे हैं सांभार मसाले की पेस्ट। अब ये उडुपी सांभर है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नॉर्मल सांभर मसाले में आप देखेंगे कि कुछ मसाले डालते हैं जिसमें जीरा, धनिया, मेथी, पेपरकॉर्न और करी लीव ज़रूर से होता है, कोकोनट भी ज़रूर से होता है। कुछ लोग सूखा कोकोनट डालते हैं, कुछ लोग गीला कोकोनट डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्की सी दालचीनी भी जाएगी, साथ में प्याज भी जाएंगे और साथ में टमाटर भी जाएंगे। तो सबसे पहले हल्का सा ऑयल, तेल में जीरा, उसके साथ में धनिया, थोड़ी सी मेथी का दाना, जितना जीरा उससे थोड़ा सा ज्यादा पेपरकॉर्न, छोटी सी सिनेमन की स्टिक, करी पत्ता। ये मसाले के अंदर भी जाएगा, फिर उसके बाद तड़के में भी जाएगा। अब इसमें डालेंगे बेड़गी मिर्ची। अब बेड़गी मिर्ची जो होती है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो आपको अगर बेड़गी ना मिले आप कश्मीरी मिर्ची भी डाल सकते हैं।
आहा, जैसे ही मसाले भुनने शुरू होते हैं ना, बढ़िया वही एकदम साउथ इंडिया वाला फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। अब डालो जी ये ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट। साथ में थोड़ा सा प्याज भी। अभी सारी चीज़ों का एक पेस्ट बनने वाला है। डिफरेंस बिटवीन उडुपी सांबर एंड नॉर्मल सांबर कि इसमें प्याज भुन रहा है, नॉर्मल सांबर के मसाले में प्याज नहीं जाता है, इसमें टमाटर भी जाएगा, नॉर्मल में नहीं जाता है। उडुपी एक जगह का नाम है, वहाँ का सांबर ये काफ़ी फेमस हो गया है। अब आप बैंगलोर में, उडुपी में, मैंगलोर में अगर ये सांबर खाएंगे तो आपको इस टाइप का हल्का सा मीठा सांबर मिलेगा। केरला और तमिलनाडु का सांबर बिल्कुल अलग है। तमिलनाडु का सांबर बहुत ही पेपरी, स्पाइसी, हॉट है और केरला का एक्चुअली काफ़ी सब्जीदार होता है। अब इसमें साथ में टमाटर भी डाल दिए। अब सांबर की जो वेजिटेबल्स हैं दो सीटी में आराम से पक गई होंगी, लेकिन इसमें डाइस किया हुआ टमाटर भी जाएगा और साथ में ये मद्रास अनियन या फिर शैलट्स, ये भी इसका पार्ट है। अब अगेन मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने बताया हुआ अपने रेसिपी में, बट फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। हल्के से पानी डाल के इस मसाले को बढ़िया से पका लिया गया है। अब इसे ठंडा करके बढ़िया फाइन पेस्ट कर लो। आ गया एकदम वही उडुपी स्टाइल वाला टेस्ट आ गया। अब यहां पे बढ़िया से सब्जी पक गई है। अब करते हैं कहानी शुरू, खत्म करने की, यानी कि सांबर की सब्जी और दाल उबल गई है, पेस्ट बन गई है। अब एक तड़का अभी लगेगा, एक तड़का फाइनली लगेगा। सांबर तैयार, शुद्ध घी में लगाएंगे तड़का। सांबर का तड़का तो भैया घी के अंदर लगे चाहे जिंजली ऑयल में, मस्टर्ड सीड्स तो जरूरी, साथ में कड़ी पत्ता, थोड़ी सी ये गोल मिर्ची, ये सांबर चिली भी बोलते हैं इसको, और हींग का स्वाद अच्छे से आना चाहिए। ये उडुपी सांबर थोड़ा सा नॉर्मल सांबर से पतला होता है, इसलिए पानी डबल। अभी पानी इसलिए भी ज़्यादा डाला है क्योंकि कोकोनट का जो मसाला हमने बनाया है वो इसमें आएगा तो वो इसे और थिक बनाएगा। 5 से 6 चम्मच इस पेस्ट के इसके अंदर डाले जाएंगे। अभी इसके साथ साथ में ये थोड़े से और मद्रास शैलट्स और ये डाइस किए हुए टमाटर, इन्हें भी उबाल दिया जाएगा बढ़िया से, ये टेक्सचर भी देंगे। जो कद्दू है, बैंगन है, ड्रमस्टिक्स है, उसने पौष्टिकता ऑलरेडी दी हुई है। अब यहाँ पर बाकी सारी सब्जियाँ एवं ये, वाह जी वाह, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। अब इस सांभर की मेन चीज़ क्या है, खट्टा, मीठा, तीखा। खटास हमने डाली थी टैमरिंड थोड़ी सी, अभी और जाएगी,
मीठे के लिए हम डालेंगे गुड़ और नमक, बाकी सब इसके अंदर है, ऑलरेडी है। क्योंकि पानी ज़्यादा डाला था इसलिए नमक आ रहा है। मिठास के लिए मैं डाल रहा हूँ जैगरी पाउडर, आप नॉर्मल गुड़ भी डाल सकते हैं, और साथ में खटास के लिए इमली का पल्प। अब आप जानते हैं इसको होटल सांभर क्यों बोलते हैं? अरे क्योंकि जब आप होटल जाते हैं तो ये सांभर मिलता है ना, सिंपल लॉजिक ही है। अब इसको देंगे एक फाइनल उबाल और ये तैयार है। वाह, एक कॉमेडियन है गौरव कपूर, वो पता क्या कहता है, ये बड़े अच्छे शेफ होते हैं, खुद ही अपना टेस्ट पेपर लिखते हैं, खुद ही अपना रिजल्ट सुनाते हैं और फिर बोलते हैं वाह क्या पास हो गया लड़का, है ना। खुद ही हमने सांभर की रेसिपी बताई, खुद ही टेस्ट किया और खुद ही बोला वाह। अरे भाई ये गौरव कपूर साहब, सुनो देखो बनाओ, फिर समझ में आएगा कि हम यहाँ पे सच बोल रहे हैं कि एवं बस लगे हुए हैं, है ना। बना के देखो भाई, बहुत अच्छा बना है सच में। अब है जी फाइनल तड़के की बारी, घी, मस्टर्ड सीड, मिर्ची, कड़ी पत्ता एंड मजेदार। खुशबूदार होटल सांभर तैयार है। अब आप उडुपी जाएंगे ना तो वहाँ पर मस्त खट्टे इडली या फिर बड़ी बड़ी सॉफ्ट इडली हो या फिर वड़ा हो या फिर डोसा हो या फिर मैसूर मसाला हो, सबके साथ ये सांभर ज़रूर से मिलता है। ये बहुत ही तगड़ी रेसिपी है, आप इसे बनाएंगे तभी जान पाएंगे कि क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल सांभर में और एक ये होटल सांभर में। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, टिकट आपने कटा रखी है, अगर नहीं कटाई है तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, पता चलता रहेगा कि ऐसी बढ़िया रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। हम आपके साथ बने रहेंगे, सी यू सून।